हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गुलदर्शन, आप देख पा रहे हो टेक्निकल गुलजार। तो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा आप अपना कैसे वोटर आई कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक करें। तो फ्रेंड, वीडियो लास्ट तक बने रहिए, मैं फुल प्रोसेस आप लोगों को बता दूंगा। तो फ्रेंड, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इस तरीके से मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, और ओपन करके यहाँ पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। अगर आप पीसी पर या डेस्कटॉप पर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है या कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर ब्राउजर ओपन करोगे, आपको यहाँ पर सर्च पर nbsp.in यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर लिख दोगे तो आप यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे कि सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपको इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है, यहाँ पर लॉग इन एंड रजिस्टर्ड आ जाएगा या यहाँ पर लॉग इन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉग इन एंड रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे, आप अपना यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है, क्योंकि अगर आपने पहले से ही अकाउंट बना हुआ है, आपको क्या करना है, यहाँ पर वह नंबर या वो वही ईमेल यहाँ पर डाल के, पासवर्ड यहाँ पर डाल के फिर आप लॉग इन कर लेना। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूजर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंड कैप्चा एंड सेंड ओटीपी यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर वो छोटा सा फॉर्म है वो फिलअप कर देना है। जैसे कि वो फिलअप करोगे तो आप यहाँ पर फिर से इस पेज पर आ जाना। आके यहाँ पे यहाँ पर आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर डाल देना, और फिर नीचे आप यहाँ पर कैप्चा यहाँ पर जो है यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे जिस तरीका से है इस तरीका से ही लिख के आप यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करोगे तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर देख सकते हो इंफॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर बाय एग्जिटिंग इलेक्ट्रोड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीका से और एक पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप यहाँ पर फ्रॉम 6B पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो फ्रेंड, जैसे कि फ्रॉम 6B पर क्लिक करोगे, आपको इस तरीका से इंटरफेस आ जाएगा। आप अपना नाम, अपना वोटर आई कार्ड यहाँ पर शो होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और फिर आपका नीचे यहाँ पर अपना जो ईमेल है वह डाल देना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, अगर आपका पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करके आपको यहाँ पर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके आप यहाँ पर जितना सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपका पास एक है तो आप इसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे कि आप अपलोड कर दोगे, फिर आपको प्लेस अपना प्लेस डाल देना और फिर रिव्यू कर देना। तो फ्रेंड, अगर मैं आपका पास आधार कार्ड है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिख देना है, फिर आपको नीचे आना है। जैसे कि आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालोगे, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लेस आ जाएगा, आप जहाँ पर रहते हो इस वही जगह का नाम यहाँ पर डाल देना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कैप्चा है, यहाँ पर जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार टेक से देख लेना आपका नाम सही है क्या, आपका वोटर आई कार्ड नंबर सही है क्या, यह सब देख लेना, और देख के आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको इस तरीका से फिर एक फॉर्म आ जाएगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या प्रिंट आउट कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप सबमिट पर क्लिक करोगे अपना जो, तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो आपका पास इस तरीका से एक रेफरेंस आईडी आ जाएगा। वही रेफरेंस आईडी आप स्क्रीनशॉट करके रखना है या आप प्रिंट आउट करके रख देना है, क्योंकि बाद में आपका जो आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड आपने लिंक किया है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है वो आप पता कर सकते हो इस रेफरेंस नंबर से।
तो फ्रेंड ध्यान रखना, इस रेफरेंस आप प्रिंट आउट करके रख देना है या स्क्रीनशॉट लेके आप कोई पर सेव करके रख देना है। तो फ्रेंड जैसे कि आप बाद में चेक करोगे आप आपका जो आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड लिंक हुआ है या नहीं है। अगर आपने इस रेफरेंस आईडी नहीं रखा है तो आप बाद में चेक नहीं कर पाओगे आपका वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड लिंक हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड ध्यान रखना, अगर आप मोबाइल ऐप से भी कर रहे हो वह भी ध्यान रखना, अपना रेफरेंस नंबर हुआ जरूर स्क्रीनशॉट लेके रख देना। तो फ्रेंड अगर आपको रजिस्टर्ड फॉर न्यू अकाउंट बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कैसे आप अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकते हो वह भी लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और वीडियो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।